नमस्कार, मैं हूं अर्षी शेख और आप देख रहे हैं सी टीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर, आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। स्पॉन्सर्ड बाय शारदा क्लासेस नागपुर। कल हुई भाजपा के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने विशेषकर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिया आड़े हाथों। इस कॉन्फ्रेंस की हर तरफ हो रही है चर्चा। बीते दिनों सहायक शिक्षक देवचंद्र मेश्राम, इन्होंने ब्रह्मपुरी में की थी आत्महत्या और सुसाइड नोट में कुछ अधिकारियों द्वारा मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने का लगाया था आरोप। इस पर उनके ही बेटों ने संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की थी मांग। कुछ कार्रवाई ना होने पर आमरण अनशन का दिया इशारा। गढ़चिरौली वन परिक्षेत्र के अंतर्गत महादवाड़ी गांव के समीप तेंदुपत्ता जमा करने गई महिला पर बाघ ने किया हमला। गोगांव की निवासी कल्पना चौधरी, उम्र 35 वर्ष, पर तेंदुपत्ता जमा करते समय अचानक बाघ ने हमला किया, जिसके बाद पास के लोगों द्वारा चिल्लाना शुरू होने पर बाघ जंगल की ओर भाग निकला, किंतु तब तक जा चुकी थी महिला की जान। इस घटना के बाद इस परिसर की बढ़ा दी गई है सुरक्षा तथा लोगों को जंगल से दूर रहने की दी गई है सूचना। गोंडपिपरी तहसील के शिवरा गांव में बाहर शौच के लिए गए एक व्यक्ति पर जंगली सूअर ने किया हमला, जिससे रामदास पाल नामक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होने से उन्हें गोंडपिपरी के ग्रामीण रुग्णालय में उपचार के लिए किया गया है भर्ती। इस परिसर में अन्य और जंगली जानवर होने से उनका भी करे बंदोबस्त, ऐसी गाँव वासियों ने की है मांग। नागपुर से ब्रह्मपुरी मार्ग होते हुए चामोर्शी जा रहे एक सब्जियों से भरे पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर एक साइकिल चालक को दी जोरदार टक्कर, जिसमें एक व्यक्ति ने घटना स्थल पर ही तोड़ दिया दम और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होने से उसका रुग्णालय में चल रहा है इलाज। विदर्भ के 10th अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। शारदा क्लासेस के 1000 से ज्यादा विद्यार्थी पिछले 23 सालों से IIT, नीट और एम्स MBBS की परीक्षाओं में सफलता हासिल कर चुके हैं। तो सोचिए मत, फटाफट अटेंड करो फर्स्ट स्कॉलरशिप टेस्ट और अब 1,00,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप ऑनलाइन बैचेस के लिए भी। साथ में 11th-12th कॉलेज एडमिशन अब नीट JEE हुई और भी आसान। शारदा क्लासेस, प्रताप नगर स्क्वायर, नागपुर। चंद्रपुर के विधायक किशोर जोरगेवार द्वारा मनपा को दिए गए 1 करोड़ की निधि से अब चंद्रपुर में जल्द ही 100 बेड का कोविड सेंटर शुरू होने की है संभावना, जिसके कारण कोरोना रुग्णों को मिलेगी राहत। चंद्रपुर शहर के मेन रोड पर स्थित सपना क्लॉथ स्टोर्स पर मनपा और पुलिस ने की कार्रवाई और लॉकडाउन में दुकान शुरू रखने के कारण कार्रवाई करते हुए 55,000 का जुर्माना वसूल किया। हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करने वाले डॉक्टर चेतन खुटेमाटे ने उनके कोविड सेंटर में कोरोना से मृत व्यक्ति की संपूर्ण फी माफ करते हुए डिपॉजिट ली हुई रकम को भी कर दिया वापस। उनके इस कार्य की हर तरफ हो रही है सराहना, साथ ही उनके इस कार्य से अन्य डॉक्टर भी ले प्रेरणा। चंद्रपुर में कोरोना के बाद अब म्यूकर माइकोसिस नामक रोग ने किया है प्रवेश, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग के सामने खड़ी हुई और एक चुनौती। ये एक गंभीर रोग है जिसमें कोरोना से मुक्त होने वाले रोगियों पर होता है ज्यादा प्रभाव और इसका इलाज करने के लिए आता है करीबन 6 से 7 लाख रुपए का खर्चा। रायपुर के माना संप्रेक्षण गृह में एक साथ 45 बच्चे पाए गए कोरोना संक्रमित, इसके साथ ही 5 स्टाफ की भी रिपोर्ट आई पॉजिटिव। इतनी ज्यादा संख्या में संक्रमित रोगियों की पुष्टि होने पर संप्रेक्षण गृह को आइसोलेशन में तब्दील किया गया है, साथ ही वहां 6 नर्स और 1 डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई है। तो सी टीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में थी खबरें फटाफट, मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए सी टीवी के साथ। नमस्कार।